जब और अभ्यास के द्वारा चित्त निर्मल होता है तो उसे विवेक की प्राप्ति होती है। अभ्यासी को विवेक कहते हैं, जो चेतन तत्व और जड़ तत्व की भिन्नता का ज्ञान कराए, क्योंकि अभी तक अभ्यासी ये समझता रहा यानी ये शरीर ही मैं हूँ, लेकिन अभ्यास के द्वारा जब विवेक की प्राप्ति होती है तो वो भान कराता है कि ये शरीर नहीं हो, तुम चेतन तत्व हो बस। और उसे समाधि काल में उससे पहले दिखाई देता है कि कोई मनुष्य अत्यंत गहरी निद्रा में सो रहा है, और फिर बाद में वो धीरे धीरे उसके सामने जाग भी रहा है या होश में आने की क्रिया हो रही, जैसे मनुष्य ने गहरी नींद में हो फिर जागने की जब अवस्था आती है, पहले वो हिलता डुलता, पैर इधर उधर करता, करवट बदलता, यानी कुछ हलचल करता है शरीर, ऐसे ही दिखता, और फिर आँख खोल देता। इसी प्रकार समाधि अवस्था में वो भी दिखता है, मगर उसके आसपास ऊपर पत्थर जैसी चीज़ें रखी होती हैं। ऐसा क्यों? वो क्लेशात्मक कर्म इस रूप में दिखते हैं और कुछ नहीं होते, चित्त की मलिनता और क्लेश। कुल मिला के वही विवेक होता है, यानी विवेक सोया हुआ होता है, विवेक काम नहीं करता है तब तक जब तक इस अवस्था को प्राप्त नहीं हो। अगर वर्तमान में लोग नहीं कहते हैं, अरे भाई विवेक से काम ले, अरे मैंने विवेक से काम लिया हुआ है, हमें क्या ऐसा वैसा समझ लिया यार, जब अज्ञानता में ही डूबा हुआ है, अज्ञानता के बंधन में बंधा हुआ, विवेक से कैसे काम ले सकता है। विवेक के अंदर इतनी सामर्थ होती है, या विवेक उसे कहते हैं जो जड़ तत्व यानी जिसे चित्त कहते हैं उसके और चेतन तत्व के भिन्नता का ज्ञान, कि ये भिन्न भिन्न है, इसका ज्ञान करा दे। और होता क्या है कि जब चित्त का साक्षात्कार करते हैं तो चित्त अत्यंत प्रकाशित हुआ दिखाई देता है, तो ऐसा लगता है कि चित्त ही सब कुछ है, यहाँ पर आत्मा विद्यमान है, क्योंकि चित्त की भिन्नता का अभी ज्ञान ही नहीं हुआ है। रामायण में किसी जगह रहता है कि जड़ और चेतन की गांठ होती है, जिसे हम आप अस्मिता भी कह देते हैं, यहाँ पर रामायण वर्णन है, फिर आ जाए योग में। यानी जड़ तत्व और चेतन तत्व की भिन्नता का ज्ञान होना जरूरी है। तो कैसे होता है? अभ्यासी स्वयं समाधि अवस्था में देखता है कि वो ऊपर की ओर उठा हुआ है, या ऐसा समझो कि वो स्वयं आकाश बन गया, आकाश ही आकाश तो जड़ है, यानी स्वयं आकाश के समान स्वरूप वाला बन गया और चेतनता है, नीचे की ओर उसकी दृष्टि है, नीचे देख रहा। तो क्या है, जो चित्त का स्वरूप घड़े जैसा भी दिखता है, जैसे ब्रह्म रंध्र के अंदर का क्षेत्र घड़े जैसा दिखता है और जगह जगह पर भिन्न भिन्न यानी तरीके के दिखते हैं, तो चित्त घड़े के रूप में दिखाई देता, तो वो घड़ा गीला धीरे 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 ऊपर आ रहा, अर्थात जड़ तत्व है जो वो हमसे दूर है और मैं चेतन तत्व हूँ। Thank you.
Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.